हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्वेश्चन नंबर 9.3। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे सारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9.3 है, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ for materials A and B are shown in figure 9.12। तो यहाँ पे दो फिगर में आपको दिया गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ A और B। The graphs are drawn to the same scale। A तो हमें फाइंड करना है A, which of the materials has the greater Young's modulus, और B है which of the two is the stronger material, ये निकालना है। चलिए इसको देखते हैं, इसको हम यहीं पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, ए का या बी का। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता क्या है, यंग्स मॉडुलस होता है इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए किसका स्ट्रेस, फॉर अ गिवन स्ट्रेन किसका स्ट्रेस ज्यादा है, ए का स्ट्रेस ज्यादा है। और न्यूमरेटर में यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला के न्यूमरेटर में स्ट्रेस आता है, जिसका स्ट्रेस ज्यादा है उसका हायर यंग्स मॉडुलस होगा। तो यहाँ पे ए का स्ट्रेस ज्यादा है इसलिए ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। सेकंड आता है, सेकंड पूछा है किसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। हाँ तो बी, अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए या स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है वो निकालने के लिए हमें हमें ये देखना है कि उसका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो हम ए और बी में से कंपेयर करेंगे कि कितना स्ट्रेस चाहिए किसी मटेरियल के फ्रैक्चर को फ्रैक्चर करने में, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्चर पॉइंट। तो स्ट्रेंथ का ही डेफिनेशन होता है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चरिंग ए मटेरियल कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्चर पॉइंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो फ्रैक्चर पॉइंट क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में। फ्रैक्चर पॉइंट क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी का यदि देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ए का ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू बी, इसलिए क्या होगा, ए विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी, ठीक है। अब दोनों आंसर हम लिख देते हैं, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस के हिसाब से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है और ग्राफ में स्ट्रेस किसका ज्यादा है, ए का स्ट्रेस ज्यादा है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज मोर, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज मोर, ठीक है। तो इज मोर, और बी, बी का आंसर क्या होगा, बी का स्ट्रेंथ निकालना है, तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ, तो स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू फॉर फ्रैक्चरिंग अ मटेरियल कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। फ्रैक्चर पॉइंट इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। अब एक्सट्रीम पॉइंट दोनों का कंपेयर किया तो ए का एक्सट्रीम पॉइंट ज्यादा था बी के रिस्पेक्ट में, तो ए इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए ऐसा करते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है,
हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।